अहम खबर शामिल करेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करेंगे। फरियाद आलपुर कमरा अदालत में खातून अहलकार से उलझ पड़ी। करीब बैठने पर फरियाद आलपुर ने खातून पुलिस अहलकार को झाड़ पिला दी और कहा कि मैं यहां अदालत से भागकर कहां जाऊंगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद। हुसैन बताइएगा क्या मामला पेश आया। जी बिल्कुल, जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत जो है वो जब खत्म हुई है और नैब के हवाले किया गया है 22 जुलाई तक फरियाद कालपुर को, तो उसके वक्त जब वो कमरा अदालत में बैठी हुई थी तो उनके साथ मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थी जो कि पुलिस की जानिब से तैनात की गई थी, जब वो उनके पास बैठी तो फरियाद कालपुर जो है वो काफी गुस्से में दिखाई दी और उन्होंने उनको डांट कर कहा कि आप साथ वाली सीट पर बैठ जाए, यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की खवातीन आई हुई हैं उन्हें बैठने की इजाजत दी जाए। काफी जो है वो बरहमी का इजहार किया फरियाद कालपुर ने और साथ बैठी हुई जो पुलिस कांस्टेबल थी उनको जो है वो उन्होंने झाड़ पिला दी और वहां से उठा दिया, जिसके बाद वो उठकर बाहर चली गई और साथ जो है वो शशि बलीचे जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको उन्होंने अपने पास जो है वो बिठा लिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जो है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और इस वक्त आसिफ जरदारी और फरियाद कालपुर चूंकि कमरा अदालत में मौजूद हैं और कुछ देर बाद ही नैब टीम उन्हें यहाँ से लेकर रवाना होगी, तहम इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। ठीक है हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट कर रहे थे।